हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीएसपी क्लासेज में। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी दोस्तों के लिए जो बहुत दिनों से एलडीसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। एलडीसी रिजल्ट का परीक्षा परिणाम जो है वो जारी हो चुका है। हाँ दोस्तों, मैं एलडीसी द्वितीय चरण जो अभी एग्जाम कुछ समय पहले हुआ था उसी रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। वो अभी कुछ समय पहले, आज ही थोड़ी देर पहले घोषित हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, थलम्बस में भी आपने देख लिया होगा, वहां लिखा हुआ था कि एलडीसी रिजल्ट जारी। और यहाँ भी आप देख लीजिए, राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उन्होंने ये अपना ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया है। और इसमें उन सभी छात्रों के रोल नंबर्स दिए हुए हैं जिन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया है। और यहाँ आप देख सकते हो, ये ज्यादा पुराना नहीं है, आज की ये डेट है। जैसा कि आप देख रहे हो, 25/10/2019 ये आज की तारीख है और अभी कुछ समय पहले ये रिजल्ट घोषित हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप, लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018। जैसा कि आपको पता है, एलडीसी 2018 की भर्ती थी और इसका द्वितीय चरण था। इसका परिणाम जो है, परीक्षा परिणाम वो जारी हो गया है। और क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो मेन मेन है वही आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 11,215 एवं अनुसूचित क्षेत्र के जो 1,241 कुल पद 12,456 पदों पर भर्ती हुई थी। प्रथम चरण की परीक्षा का परिणाम जो था वो 7 मार्च 2019 को जारी कर दिया गया था। और जो परीक्षा का जो पुनः परिणाम कर पुनः संशोधित परीक्षा परिणाम जो दोबारा जारी किया था वो किया गया था 10/5/2019, यानी 10 मई 2019 को किया गया था। जो प्रथम चरण की परीक्षा के परिणाम की जो मेरिट के आधार पर कुल पदों के लगभग 3 गुना छात्र, यानी 37,372 छात्रों को द्वितीय चरण के लिए चुना गया था। और विशेष योग्यजनों को छोड़ते हुए कुल 36,566 जो थे जो टाइपिंग की परीक्षा में बैठे थे और उन्होंने ये परीक्षा दी थी, जो कि टंकण गति व दक्षता परिणाम बोला गया है। इस परीक्षा का आयोजन जो है वो 3/9/2019 से 6/9/2019 तक हुआ था। और पुनः परीक्षा का जो आयोजन हुआ था वो दिनांक 22/10/2019 को किया गया था। और आज 25/10/2019 है और आज एलडीसी ने अपना जो आरपीएससी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उन्होंने अपना ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सभी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा इसी क्रम में उत्पादों हेतु परीक्षा के दोनों चरणों में सफल अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर नीचे अंकित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है। यानी कि जो नीचे रोल नंबर्स दिए हुए हैं उन सभी को इसमें जो द्वितीय चरण था इसमें पास किया गया है और उन्हीं सभी के ये रोल नंबर्स लिखे हुए हैं। और जो उनके जो अनुसूचित जाति है, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार से बांट के रोल नंबर लिखा गया है। अब इनका बस ओनली एक लास्ट ही जो दस्तावेज का जो होता है, दस्तावेज जांच होती है, वही रह गया, दस्तावेज सत्यापन है वो रह गया। तो आप देख सकते हो सभी के रोल नंबर लिखे हुए हैं, जिन जिनको पास किया गया है, जितनी भर्ती थी उनके कुल पद है। तो ये दिवाली से पहले बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। और आपके अपने चैनल बीएसपी क्लासेस ने सबसे पहले ये सटीक और एकदम सही जानकारी दी है, जो कि बिल्कुल सही है। और मैंने आपको ऊपर दिखा दिया कि आरपीएससी द्वारा ये जारी किया गया है। अगर सभी का मैं रोल नंबर पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, अगर सुबह पढ़ने लगो तो शाम हो जाती है, इतनी लंबी लिस्ट है। इसलिए मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को, नहीं मैंने आपको बता रखा है कि आप मेरे चैनल बीएसपी क्लासेज है उसके अबाउट में जाके टेलीग्राम लिंक, जो टेलीग्राम चैनल हमारा, वहां उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर हमारे क्लासेज में जितनी भी क्लास होती है उन सभी की पीडीएफ वहां पे डाली जाती है, ना कि ओनली ये नोटिफिकेशन जो एजुकेशन न्यूज है, इसके अलावा क्लास होती है उसकी भी उसमें जो पीडीएफ होती है उसमें डाली जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी के रोल नंबर इसमें लिखे गए हैं और वही रोल नंबर है जिनको इसमें द्वितीय चरण में पास किया गया है। और जो कट ऑफ मेरिट है वो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रही है क्या नहीं रही, कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरल की है तो जनरल की आपको लिखी हुई है 215 जनरल, एफईएम जो कि है 202, डब्ल्यूडी ये जैसे कि फीमेल का है, ये जनरल मेल का है, ये जो अलग अलग होते हैं अलग अलग उनके अनुसार श्रेणी के अनुसार ये बांटा गया है।
कि किन की कितनी ये जो रही है, आप देख पा रहे हैं एससी का भी सबका अलग अलग लिखा हुआ है और एसटी का भी लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप तक पहुंचने में भी बाद में काफी टाइम लगेगा, इसलिए आपको मैंने बता दिया कि कितना क्या है। आप दोबारा इसको एक बार देख सकते हो कि कट ऑफ क्या है, जनरल की लिखी हुई है सामने और इसकी एससी की भी लिखी हुई है, एसटी की भी लिखी हुई है, ओबीसी की लिखी हुई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया किस प्रकार आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और वहां जाके आप इसको देख लीजिए, देख लीजिए आपने लिखा हुआ यहाँ। अब जो एमबीसी जाति है उसका भी लिखा है, जो सहरिया जनजाति है उनकी अलग कट ऑफ है वो इस प्रकार है। आप इसको इसमें ओनली जनरल के पद थे, इनकी जो मेरिट है 137.1662 रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब जो रिजर्वेशन वाले थे, जो ओरिजोनटल यानी कैटेगरी वाले, जो एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्समैन पर्सन, उन सब की भी अलग कट ऑफ है वो आपके सामने लिखी हुई है। और जो अनुसूचित क्षेत्र के रोल नंबर है वो अभी यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र के जो है उन सभी के रोल नंबर दिए हुए गए हैं। इससे पहले जो थे वो मैंने आपको गैर अनुसूचित के क्षेत्र के लोगों में बताएं, ये अनुसूचित क्षेत्र के रोल नंबर है जो कि बहुत ही कम छात्र है क्योंकि कम इनकी पोस्ट थी और कम ही कम छात्र है। अब इनकी जो कट ऑफ है, इनकी कट ऑफ उनसे काफी अलग है, जनरल की अलग है, एससी की अलग है, एसटी की अलग है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं ज्यादा समय आपका व्यतीत न करते हुए आगे दिखा देता हूँ। ये देखिए ओरिजेंटल रिजर्वेशन वाले की है, लास्ट में नोटिफिकेशन में नोट लिखा हुआ है और दिया हुआ है कि जो निःशक्त यानी विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों को भाग टू के में उनके द्वारा भाग वन में प्राप्त औसत अंक दिए गए हैं, यानी ये ओनली उन्हीं विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों के जो विद्यार्थी है उन्हीं को दिए गए हैं। ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप सब कुछ पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सारा पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए जो सच्ची आरपीएससी के डॉक्टर मुकुट बी जांगड़, इन्होंने ये जारी किया, सारा पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगे और सबसे पहले एजुकेशन न्यूज की वीडियो देखने या जितने परिणाम जारी होते हैं सबसे पहले आप तक वो चीज पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल बीएसपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उन सबको भी इसका पता चल जाए। और दिवाली के मौके पर आप सभी को मैं हैप्पी दिवाली आपको और आपके परिवार को कहना चाहूंगा और उन सभी विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा जिन्होंने ये द्वितीय जो चरण है उसके परीक्षा परिणाम में जो पास हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद दोस्तों।